स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, यदि आपका अकाउंट एयरटेल पेमेंट बैंक में है तो आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। 5 सितंबर 2023 से एक नया मैसेज चार्ज एप्लीकेबल हुआ है सभी एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट पे। पूरा डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप मैसेज देख लीजिए, ये मैसेज आपको आया होगा यदि आपका एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर अकाउंट होगा तो। तो ये मैसेज में लिखा हुआ है, डियर एयरटेल पेमेंट बैंक कस्टमर, योर सेविंग अकाउंट इज एलिजिबल फॉर SMS अलर्ट, चार्जेज एट 30 पैसे पर SMS, फर्स्ट 10 SMS फ्री फ्रॉम 5 सितंबर 2023। इस मैसेज के जरिए एयरटेल पेमेंट बैंक क्या जानकारी दे रहा है, क्या सूचना दे रहा है अपने कस्टमर को, वो पूरा डिटेल जान लीजिए। 5 सितंबर 2023 से आपके अकाउंट में नया मैसेज चार्ज अप्लीकेबल हो गया है जो कि 30 पैसे पर SMS। जी हाँ गाइस, 30 पैसे पर SMS, जबकि फर्स्ट 10 SMS जो है वो फ्री होगा। आपने एयरटेल पेमेंट बैंक से कोई भी ट्रांजेक्शन करते होंगे तो आपके मोबाइल पे उसका मैसेज आता होगा, या पैसा भेजते होंगे या पैसा किसी से रिसीव करते होंगे तब आपको मैसेज आता होगा। इसी मैसेज का अब आपको चार्ज लगेगा 30 पैसे प्रति SMS। पहले जो चार्ज था वो 15 रुपया प्लस GST यानी कि 17 रुपया कुछ पैसा आपसे चार्ज किया जाता था SMS के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है, पर SMS आपको 30 पैसा चार्ज कटेगा। आप चाहें तो इसे बंद भी कर सकते हैं, SMS अलर्ट आप बंद करवा सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक को कॉल करके। आपको SMS में नंबर भी दिया हुआ है एयरटेल पेमेंट बैंक का, इस नंबर पे आप कॉल करके बताइए कि हमें SMS अलर्ट नहीं रखना है, प्लीज आप SMS अलर्ट हमारे अकाउंट से बंद कर दीजिए, डीएक्टिवेट कर दीजिए। जैसे ही आप डीएक्टिवेट करवा देते हैं तो आपके अकाउंट से कोई भी SMS अलर्ट चार्ज नहीं कटेगा, ना ही आपके मोबाइल पे ट्रांजेक्शन का SMS प्राप्त होगा। तो ये सही भी है लोगों के लिए, और जो लोग चाहते हैं कि मेरा पैसा ना कटे तो आप SMS अलर्ट बंद करवा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।